फिल्म को प्रमोट करिए। अगर ये बड़े बड़े प्रमोटर्स प्रमोट नहीं करते, एक बड़े बड़े हमारे हमारे इंडस्ट्री में लोग पता नहीं क्यों अपने आप को भारत से अलग प्रूव करते हैं। अगर ये भारतवासियों का दुख आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे देश के वासी नहीं हैं। जहां एक तरफ कश्मीर फाइल्स ने हमारे देश के सदियों से सोए हुए समाज को जिंदा करके खड़ा कर दिया है और पूरे देश भर में इस फिल्म ने अपनी धूम मचा रखी है, तो उधर ही मुकेश खन्ना यानी कि शक्तिमान का इस फिल्म को देखते ही पूरे तरीके से गुस्सा फूट चुका है। जहां एक तरफ इस फिल्म को हर कोई देखने जा रहा है, इस फिल्म के बारे में हर कोई बातें कर रहा है, तो ऐसे में आता है हमारे देश का भांड बॉलीवुड, जिसको कि मानो पिछले चार दिनों से सांप सूंघ गया हो। ऐसा एक बड़ा सेलिब्रिटी निकल कर सामने नहीं आ रहा है जो कि इस फिल्म को खुल करके अपना समर्थन दे सके। हाँ, वो बात अलग है, अगर इनके ग्रुप में से किसी की फिल्म रिलीज होती तो ये लोग अपना इंस्टाग्राम ट्विटर भर दिए होते। हाँ, वो बात अलग है, जिस फिल्म में देश की संस्कृति को धूमिल करने का काम किया जाता, हमारे भगवानों का अपमान किया जाता, अधनंगे सीन्स परोसे जाते, उन फिल्मों को तो ये लोग बढ़ चढ़ कर प्रमोट करते हैं। अब कल रात मुकेश खन्ना जैसे ही कश्मीर फाइल्स देख थिएटर से बाहर निकले, उन्होंने सीधे तौर पर इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड को टारगेट करना शुरू कर दिया और डायरेक्टली बोला कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉलीवुड से उनके बड़े बड़े प्रोमोटर्स आकर इस फिल्म को प्रमोट करें या ना करें, लेकिन कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन अब खुद जनता ही कर लेगी। जनता इस काम के लिए सक्षम है और जनता अपना काम बखूबी कर भी रही है। उन्होंने इस फिल्म को बढ़ चढ़ कर देखने के लिए आम लोगों से निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करी है। मुकेश खन्ना के व्यूज पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो जुड़ करके हमारी आवाज़ और बुलंद करें। मैं मिलता हूं आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।